नमस्कार दोस्तों, फिर से और एक बार स्वागत करते हैं आपको अमित वर्षिणी फ्लूट में। आज इस वीडियो में हम एक डेमो फ्लूट आपको बना के दिखाएंगे और वो भी आपके बिल्कुल सामने। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहें। तो सबसे पहले बात आता है ट्यूनिंग कॉक की। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको तैयार करके रखे हैं। आप अगर जानना चाहते हैं कि कैसे ट्यूनिंग कॉक क्रिएट किया जाए तो उसके लिए वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं और इसको ऐसे बना सकते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला वीडियो जब हम बनाए थे एक बैम्बू से, ठीक है, तो उसको हमने इसी केची से बनाया था। तो आज वही चीज हम इस फ्लूट में यानी इस पीवीसी पाइप में करके दिखाएंगे आपको। और इसके लिए सिर्फ घर में अगर आपके पास ऐसे खील है, ठीक है, तो इसी से आप ये ड्रिल कर सकते हैं। तो पाइप में डेमो फ्लूट बनाने का मैंने बात छेड़ा था तो बहुत लोगों को वो देखना है कैसे मैं फ्लूट बनाता हूँ, ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले तो फ्लूट के हम जो करते हैं, कोई भी एक हिस्से पे आप पकड़ लीजिए एक ड्रिल करना होता है जो ब्लोइंग होल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेंडमली एक डिस्टेंस निकालता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए ये टेप मैं लेता हूँ। यहाँ पे मैं 7 सेंटीमीटर के करीब एक होल अभी क्रिएट करूंगा, ठीक है, यहाँ पे। तो देखिए ये है वो मार्क। तो ठीक यहीं पे आपको एक होल क्रिएट करना है। तो मैं पहले ऐसे एक छोटा सा ऐसे धीरे धीरे घुमाते जाए और देखिए ये होल क्रिएट हो गया, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए अभी जब ऐसा एक होल आपने क्रिएट, बिल्कुल मिडिल में होना चाहिए, देखिए ये बिल्कुल मिडिल में है, ठीक है। ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और इससे बहुत अच्छा पीवीसी पाइप या पाइप में इसको अगर ऐसे ड्रिल करते हैं, देखिए देखिए कितना स्मूथ हो गया है। और ये देखिए ये होल हो गया है। इसको पहले 1 सेंटीमीटर से छोटा रखिए। मैंने यहाँ पे 0.8 सेंटीमीटर के करीब इसको बनाया होगा। ये बेसिकली बनाते बनाते इसका एक आइडिया हो जाता है। तो अभी जो इसका मिडिल पोर्शन है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अभी है, यानी कि इस पोर्शन से, ठीक है, अभी 0.5 सेंटीमीटर ये आगे चला गया है। तो यहाँ से यहाँ का 6.5 सेंटीमीटर इसका टोटल लेंथ है, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा ब्लो करते हैं, देखते हैं इसका साउंड कैसा है। तो इसके लिए अभी ट्यूनिंग कैप की जरूरत है। तो इसको ऐसे प्रेस करके इसके अंदर डाल दीजिए और अभी ब्लोइंग होल हमने क्रिएट कर चुके हैं और इसको मेजर करना होता है। तो मैंने यहाँ पे रेंडमली इसको कर रहे हैं, देखते हैं ये कौन सा स्केल में ये आता है। तो यहाँ पे मेरे उंगली के हिसाब से मैं इसको देखिए ऐसे अगर तो ये तो उंगली कुछ ऐसे प्ले करने में सुविधा होता है। तो और इस उंगली को थोड़ा बाहर की तरफ रखें, ठीक है। तो ये तीनों उंगली देखिए। तो अभी इसको हम क्रिएट करते हैं। पहला जो है, पहला मैंने
थोड़ा एक मार्क कर लिया, और उसके बाद अभी देखिए दूसरा, तो इसमें मैं दूसरा भी मैंने मार्क कर लिया, एक तो इस ये जो हिस्सा है ठीक है, यहाँ से इसको पकड़े तो मुझे तो ओके देखिए एक दो तीन हो गया, अभी अभी आपको ऐसे रखना होगा, इससे इजी होता है ठीक है। तो इस हिसाब से मैं करके देखता हूँ, तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे सारे मार्क कर लिए हैं, बाहर की तरफ होना चाहिए, इसे आपको पकड़ में पकड़ अच्छे से कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये भी और इसको भी कर दिया। ओके अभी इसको कर लेते हैं, यह है 6 नंबर होल, उसका भी मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 holes मैंने। इन दोनों होल्स को आप बिल्कुल एक ही साइज के बनाए ठीक है, और ये जो ये वाला होल है मैंने 4th नंबर होल है, इसको थोड़ा छोटा बनाइए, और इसके बाद सेम जो आप 4th नंबर होल जैसे बनाए हैं वही उसके हिसाब से ही इस फ्लूट का पहला होल जो है फर्स्ट फिंगर होल, इसको भी ऐसे ही बनाएं, और बाकी ये जो 2nd नंबर होल है इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपके उंगली के हिसाब से ये उंगली काफ़ी मोटा है ठीक है उसके हिसाब से, और साथ ही इसमें वाइब्रेशन जो है और फ्लूट हो सकता है इसमें भी कोई कारण हो ठीक है, इस फ्लूट के इस हिस्से को कर लेते हैं। ओके तो देखिए मैंने रेंडमली यहाँ पे एक आपके सामने ही इसको क्रिएट किया, थोड़ा बहुत इसको इस हिस्से को कर लेते हैं। ओके तो देखिए मैंने रेंडमली यहाँ पे एक आपके सामने ही इसको क्रिएट किया, देखा दोस्तों सारे गामा पादानिसा डेमो बना लीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे परफेक्शन लाने की कोशिश कीजिए, और देखिएगा आपके फ्लूट भी प्रोफेशनल फ्लूट जितने भी हैं उनके जैसे ही बजेगा, और वो पीवीसी से भी हो सकता है या बेम्बू से भी हो सकता है। तो इस दोस्तों मैंने बहुत सारे फ्लूट के मेजरमेंट आपको दे दिए हैं, और भी फ्लूट्स हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ,
धीरे धीरे और भी पक्ष परफेक्शन लाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोग हमसे पूछते हैं, जो जिनका जवाब मैं नहीं दे पाता, तो क्योंकि